i want to thank study iq i would like to thank study iq team big round of applause to the team management and staff of study iq Namaste. जियोपॉलिटिक्स में एक काफी फेमस किताब है टिम मार्शल द्वारा लिखित किताब का नाम है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी इस किताब में टिम मार्शल ने 10 ऐसे मैप्स डिस्कस किए हैं जहां पे ही हैज प्रूवन अ कांसेप्ट कांसेप्ट क्या है कि हर कंट्री के पास कई सारे फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस रहते हैं बट इस ऑप्शंस में से जो फाइनल स्ट्रेटजी बनता है उस पर कई सारे लिमिटेशंस होती हैं जोग्रफी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो लिमिट करता है इन सब ऑप्शंस को एंड ज्योग्राफी से ही डिटरमाइन होता है फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी अब इस में टिम मार्शल ने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं आज हम लेंगे नेपाल का एग्जाम्पल नेपाल एक छोटा सा कंट्री है दो पावरफुल नेशंस के बीच में इंडिया और चाइना देखा जाए तो नेपाल फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस में लार्जली तीन ऑप्शंस हैं एक दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना के बैलेंस करना ये काफी डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कंट्री ऐसा होगा ही जो इन्फ्लुएंस ज्यादा करेगा या आ, लोन से ट्रैप करेगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे बैलेंसिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है छोटे कंट्रीज के लिए दूसरा ऑप्शन है कि राइवलरी को इंडिया चाइना राइवलरी को एक्सप्लॉयड करके नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट पे फोकस करना दैट इज इंडिया चाइना के बीच में आप ऐसा सर्कमचांसेस क्रिएट करते हो कि कभी इंडिया में गए बोला कि देखो चाइना हमें ये दे रहा है आ, तो इंडिया ने कुछ दे दिया अब चाइना गए वापस और बोला देखो इंडिया ने हमें इतना दिया है आप इतना ही दे रहे हो थोड़ा और दे दो हमें तो इस राइवलरी को एक्सप्लॉयट करके अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक सेकेंड ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन क्या है तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रल रहना ये जो ऑप्शन है न्यूट्रलिटी का ये लार्जली वर्ल्ड वॉर के समय था उसके बाद जियो में आज के दिन ग्लोबलाइज वर्ल्ड में न्यूट्रल रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है इक्विडिस्टेंट बनाना भी काफ़ी डिफिकल्ट है इसीलिए थर्ड ऑप्शन लार्जली पेपर में रहता है थियोरी में रहता है प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है नाउ आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं फ्रॉम दी नेपाली फॉरन पॉलिसी ऑप्शन परस्पेक्टिव इन दोनों ऑप्शन को गवर्नमेंट जो नेपाली गवर्नमेंट है वो अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस डिफरेंट सिचुएशन में यूज करती हैं अगेन टू फिगर आउट की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा राइट बट अब आते हैं आजकल क्या चल रहा है आजकल नया गवर्नमेंट है इन नेपाल अब जो गवर्नमेंट है वहां पे जो बैलेंस ऑफ पावर है वो काफी यूनिक है क्योंकि क्वालिशियन गवर्नमेंट है और जो क्वालिशियन गवर्नमेंट है वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग प्रो चाइना टिल्ट है और एक फैक्शन है जहां पे प्रो इंडिया टिल्ट है इन दोनों को बैलेंस करना इसेंशियल है फ्रॉम द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर सेल्फ इसी वजह से आजकल का जो नेपाली गवर्नमेंट है उनका फोकस है इंडिया चाइना को बैलेंस करना बट ये पहले नहीं था प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी जैसे कि के पी शर्मा ओली की गवर्नमेंट वो क्लियरली प्रो चाइनीज गवर्नमेंट थी या शेर बहादुर की गवर्नमेंट वो क्लियरली प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी तो हमेशा से नेपाल में गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ है वो क्लियरली प्रो चाइनीज रहा है या प्रो इंडिया रहा है और राइवलरी के थ्रू में दे हैव गॉट डील्स आउट ऑफ इच अदर बट आजकल इट इज स्लाइटली डिफरेंट और हम इस वीडियो के माध्यम में यही समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंट है 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 ये बैलेंसिंग एक्ट कितना टफ है नेपाल के लिए और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ने वाला है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब आते हैं सबसे पहले कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है नेपाल में तो जो अभी का जो गवर्नमेंट है जो इस साल के बिगनिंग में पावर में आया वो गवर्नमेंट इज लेड बाय पुष्प कमल दाहल जिसका नाम प्रचंडा भी है अब ये लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अब जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो वहाँ तब इनके इनके जो पार्टी थी उनके पास मेजॉरिटी थी अब प्रॉब्लम होता है कि ही इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑपोजिशन जिसके वजह से खुद के पार्टी मेंबर्स गवर्नमेंट से चले जाते हैं और इनका क्वाल्यूशन वीक हो जाता है इसी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी फेस करना पड़ता है उस समय में ट्विस्ट आता है शेर बहादुर देवबा का पार्टी दैट इज नेपाली कांग्रेस तब सपोर्ट करता है प्रचंडा के गवर्नमेंट को जैसे कि मैंने पहले कहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हैज अ प्रो चाइना टिल्ट शेर बहादुर देवबास पार्टी दैट इज नेपाली कांग्रेस हैज प्रो इंडिया टिल्ट तो आजकल जो क्वालिशन गवर्नमेंट है नेपाल में बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्शन इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रचंडा टू बैलेंस इंडिया एंड चाइना क्योंकि चाइना को बैलेंस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खुद के पार्टी मेंबर्स डिमांड करेंगे ये अब इंडिया को भी बैलेंस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि क्वालिशन पार्टनर इज वेरी क्रूशल इसी वजह से नेपाली कांग्रेस को भी खुश रखना पड़ेगा यह जो बैलेंसिंग एक्ट है यह मई जून से दिखने लगा मे जून में प्रचंडा कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट। उस समय पे कई का, सारे डील्स अग्रीमेंट्स को लेके बातचीत हुई और यहां पे आता है एक और ट्विस्ट इन द स्टोरी ऑपोजिशन लीडर जो कि केपी शर्मा ओली हैं अब ऑपोजिशन ने क्या किया कि जब नेपाल जब प्रचंडा केम टू इंडिया उस समय में एक स्ट्रॉन्ग नरेटिव पूरे नेपाली मीडिया में स्प्रेड कर दिया कि देखो भाई ही हैज़ गॉन टू इंडिया बट कोई भी ठोस अग्रीमेंट या डिस्कशन नहीं हो पाया जिसके वजह से अगेन नेपाली मीडिया में काफी कंट्रोवर्सीज और क्वेश्चंस और लेजिटिमाइज़ लेजिटिमेसी पे क्वेश्चंस आने लगे कि सही में क्या इंडिया जाके सही किया गलती था क्यों इंडिया पहले विजिट में गए ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड इसको बैलेंस करने के लिए सितंबर महीने में प्रचंडा विजिट चाइना और इस बार विजिट होता है एक हफ्ते से ज्यादा अब इसी को बैलेंसिंग एक्ट भी कहा जाता है यही है नेपाल का करंट गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी अब क्या शॉपिंग लिस्ट था व्हेन ही विजिटेड चाइना उसको भी समझना जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस बैलेंसिंग एक्ट बट उससे पहले आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि आज लास्ट डे है स्टडी आईक्यू का दिवाली सेल लास्ट मौका है अगर आपने अभी तक स्टडी आई क्यू के वेबसाइट में जाके फीचर्स नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए देखिए कोर्सेज के फीचर्स हिंग्लिश इंग्लिश और हिंदी एंड इस अट्रैक्टिव प्राइस में दैट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज विद डी डब्ल्यू लाइव डी डब्ल्यू एल आई वीई उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बट आज लास्ट डे है तो जल्दी जाइए और स्टडी आई क्यू के वेबसाइट में जाके फीचर्स देखिए देखिए कितना सपोर्ट मिलेगा आपके यूपीएससी जर्नी में चलिए अब आते हैं डिस्कशन में तो क्या था शॉपिंग लिस्ट तो शॉपिंग लिस्ट में यह था कि कंटेक्स्ट आपको समझ में आ ही गया है कि भैया इंडिया जाते ही ऑपोजिशन ने नरेटिव दे दिया कि भैया इंडिया जाके कुछ भी नो इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट या डिस्कशन हो नहीं पाया है तो इट इज सीन एज अ फेलियर ऑफ प्रचंडाज गवर्नमेंट इसी वजह से जब चाइना गए तो वो काफ़ी लंबा शॉपिंग लिस्ट लेके गए थे ये सोचा था कि भाई चाइना से बात होगा अबाउट बी आर आई अबाउट यू नो डिफरेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट काफ़ी कुछ लेके गए बट फाइनली जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है वो काफ़ी वाटर डाउन रहता है वाटर डाउन मतलब जो एक्सपेक्टेशन था और जो रियालिटी है उसमें काफ़ी फर्क रहता है रियालिटी में छोटी मोटी चीजों लेके बात हुई है। एक ये हुआ है कि भाई नेपाल ने कहा है कि हां भाई चाइना का जो वन चाइना पॉलिसी है टिबिट को लेके वो हम अग्री करते हैं वी रिफॉर्म दैट कोई भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटी uh, हम नहीं होने देंगे अगेंस्ट चाइना दूसरा चीज बात होती है कि जो बाउंड्री डिसमेंट्स हुई हैं स्पेशली जब चाइना ने नया मैप रिलीज किया था सेप्टेंबर महीने में उसको लेके भी कोई इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट नहीं हुआ सिर्फ ये बोला है कि हाँ ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे चाइना इंडिया चाइना नेपाल बॉर्डर बाउंड्री लाइन को बट डिस्प्यूट uh, को लेके कोई बात नहीं हुआ है तीसरी चीज ये बात हुई है कि हाँ भाई कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा उसके लिए एक जो प्रोजेक्ट uh, है दैट इज ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क उसमें बात हुआ है कि हाँ रेलवेज एयरवेज ग्रिड्स बनाई जाएंगी और कई सारे रोडवेज मैप की जाएंगी फिजिबिलिटी स्टडी uh, की जाएंगी इस कनेक्टिविटी नेटवर्क का याद रखिएगा चाइना ने बी का जो uh, क्या क्या uh, टेम्पटेशन कह सकते हैं नेपाल को 2017 में दिया था उसके बाद से प्रोजेक्ट्स चली जा रही हैं फिजिबिलिटी स्टडी चली जा रही हैं अभी तक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं देखने को मिला है तीसरा आ, आ, नेक्स्ट क्या बात हुआ है इस विजिट में ओपनिंग ऑफ द लिजी नेचोंग पोर्ट की बात हुई है कि ताकि कनेक्टिविटी अक्रॉस और बढ़ जाए पैसेंजर सर्विसेज बढ़े तो इसको लेके भी बात हुआ है उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन की बात हुई है एंड फाइनली जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था वो था कि नेपाल ने कहा है कि चाइना को वन पेयर ऑफ यूनिकॉर्न राइनोज गिफ्ट किया जाएगा एज पार्ट ऑफ चाइनाज पैंडा डिप्लोमेसी तो ये कुछ पॉइंट्स है टोटल थर्टीन पॉइंट्स थे उसके अलावा चाइना ने सॉफ्ट पावर की बात की है चाइनीज लैंग्वेज टीचर्स भेजने की बात की है नेपाल को एंड ऑल ऑफ दैट नाउ ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट बट नथिंग कॉन्क्रीट ऑन द टेबल जो प्रचंडा का एक्सपेक्टेशन था कि भाई हम नेपाली ग, 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 पीपल को दिखाएंगे कि भाई देखो कितना हमारा सपोर्ट करता है चाइना वो नहीं आ पाया इस जॉइंट डिक्लेरेशन से एंड दिस बिकेम अ मैटर ऑफ रिडिक्यूल इन नेपाली मीडिया कि देखो भाई आप इंडिया गए इंडिया से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लेके आ पाए आप चाइना गए चाइना से भी कुछ नहीं लेके आ पाए ना दिस कॉशियस स्टेप दिस बैलेंसिंग एक्ट हैज नॉट बीन सो सक्सेसफुल अ क्लियर कट स्टैंड इधर प्रो इंडिया या प्रो चाइना बीच बैलेंसिंग में ये राइवलरी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है करंट गवर्नमेंट अब आते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या है इंडिया पे नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चाइना और नेपाल का जो रिलेशन है चाइना हमेशा डोमिनेट करेगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो पोखारा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है चाइना ने वो दो परसेंट इंटरेस्ट लोन में बनाया है इसी वजह से इवैल्यूएट किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट का अभी रिसेंटली कंप्लीशन के बाद फिर से यही आया है कि भाई इट इज़ अ डेट ट्रैप तो नेपाली पॉपुलेशन पीपल ऑफ नेपाल नो दैट चाइना से लोन लेना इज अ डेड ट्रैप दूसरी चीज चाइना हमेशा से जो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बना रहा है रेलवेज हाईवेज इट इज लार्जली फॉर इट्स ओन मिलिट्री पर्पस, लार्जली फॉर कंट्रोल ऑफ टिबेट। ये नेपाल को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है क्योंकि फायदा नेपाली पॉपुलेशन को कुछ हो नहीं रहा है 2017 से बी प्रॉमिस किया हुआ है बट फाइनली आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है इसी वजह से इट इज बिकमिंग अ मैटर ऑफ कंसर्न और जैसे जैसे ये प्रो चाइना हो रहा है वैसे-वैसे इट इज़ बीइंग क्लियर कि इंडिया भी डिस्टेंस बना रहा है फॉर एग्जांपल जी ट्वेंटी में नेपाल को इनविटेशन नहीं दिया गया था बांग्लादेश को पार्टनर की तरह देखा गया था ये नेपाल मीडिया हैज हाईलाइटेड सो इस बैलेंसिंग एक्ट का जो रिपोर्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग होने लगा है इट इज इन द वेड वी कैन क्लियरली सेव हिस्टोरिकल सिविलाईजेशनल रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं इट इज बेटर फॉर नेपाल टू हैव अ क्लोजर रिलेशन विद इंडिया दैन डिपेंड ऑन चाइना चाइना किसी का दोस्त नहीं है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चाइना हमेशा अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पॉन्स मूव करता है एंड If Nepal understands its foreign policy options, good. It is best for Nepal to, rather than balancing, having a clear-cut pro-India tilt. This balancing act is not going to give results. Joe abhi, of course, domestic reasons ke wajah but foreign policy ka return ko milega, uh, for Nepal. With this, we come to an end to today's discussion. Thank you. स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल